अगर आपको पहाड़ पसंद है और सुकून भी, तो तीर्थन और जीबी एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है आपके लिए। इफ़ यू वॉच्ड माई लास्ट वीडियो अबाउट तीर्थन, वी ड्रोव फ्रॉम दिल्ली टू तीर्थन इन अबाउट 14 to 15 आवर्स। आप वो वीडियो देख सकते हो जहाँ पे हमने तीर्थन को एक्सप्लोर किया, फलाचन वैली गए, विच इज़ एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन नियर तीर्थन, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पेस। फिशिंग किया और कुछ दिन वहीं इंजॉय किया, पोस्ट विच वी चेक्ड आउट एंड लेफ्ट फॉर जीबी अराउंड 1 PM। हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोजा था जहाँ पे हमारा बहुत मन था टू हैव लंच कॉल्ड द जंगल वैली, बट इट वॉज क्लोज्ड। सो वी वेंट टू दिस रियली क्यूट कैफे कॉल्ड नीति नीति। वहाँ गए हम लोग एंड द व्यूज आर अमेजिंग। यू कैन सिट इन देयर बालकनी, यू कैन इन्जॉय योर कोल्ड कॉफी और योर लेमनेड एंड ईट अलोंग द व्यूज ऑफ द एंटायर जीबी वैली। Say it's so mine, but without you, I'm lost. I'm lost. Yeah, we can walk on water while the boats are leaking. Soon the walls will be gay. जीबी में रहने का हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट वी फिगर दैट वी हैव अ फ्रेंड हु हैव रेंटेड एंटायर एयरबीएनबी फॉर वन नाइट। सो वी डिसाइडेड टू क्रैश विद देम एंड एक्सप्लोर जीबी एंड जलोरी पास फॉर अ फ्यू डेज। तो हम लोग चले गए सेडर रिवर विंड होम स्टे, जो नील ओन करता है, एंड यू कैन फाइंड दिस ऑन एयरबीएनबी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स बिकॉज ये बहुत सिक्लूडेड जगह पे है। थोड़ा सा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी आपको, एंड इफ़ यू हैव किड्स देन इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट। आपके पास अगर आप ओल्ड पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बट इफ़ यू आर गोइंग अलोन, इफ़ यू आर अ कपल और इफ़ यू हैव अ लिटिल ओल्डर किड्स, देन इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एयरबीएनबीज आई हैव कम अक्रॉस। क्योंकि इसके आजू बाजू कुछ नहीं है, एंड यू कैन हियर द बर्ड्स, यू कैन हियर द रिवर फ्लोइंग बाय, एंड बहुत ही ज़्यादा सुकून है इस जगह में। सो इफ़ यू आर गोइंग टू जीबी एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेस जहाँ पे आप रह भी सकते हो और काम भी कर सकते हो, सेडर रिवर विंड इज़ डेफिनेटली अ प्लेस दैट यू शुड लुक एट। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, यू कैन गो चेक इट आउट। सो वी हैड अ फ्रेंड हु वॉज ऑल्सो इन जीबी, सो वी डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ मीट देम एंड मे बी स्टे विद देम फॉर वन नाइट, एंड दे हैव रेंटेड एन एंटायर एयरबीएनबी which is a great place for workation. So you can see the Airbnb right behind me. That's the workspace and the stay space. And you can see that this is the place where you could do a lot of bonfire, maybe some chicken roast and all of that. We are going to be doing that tonight. After spending a few hours there, we decided to explore GB waterfall. तो हम लोग अपनी गाड़ी से निकले, हम लोग वाटरफॉल गए, और वाटरफॉल जाने से पहले वी वेंट टू दिस कैफे नियर बाय। फिर हम लोग गए जीबी वाटरफॉल, विच इज़ ऑल्सो अ ब्यूटिफुल वॉक। ये ट्रैक नहीं है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट, अनइवन नहीं है, और बहुत अच्छे से सब स्टेयर्स बनाई हुई है, सो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस जहाँ पे जाके आप थोड़ा सा बैठ सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, एंड यू कैन सोक इन द ब्यूटी ऑफ द वाटरफॉल। I guess I'll be walking on.
पोस्ट विच वी जस्ट केम बैक, क्योंकि हम लोगों का जो एयरबीएनबी था दे हैड अ स्पेस फॉर बॉनफायर एंड फॉर बारबेक्यू एंड दैट्स व्हाट वी हैड प्लान फॉर दैट नाइट एंड हैड्स ऑफ टू नील हु हेल्प्ड अस थ्रू एंड थ्रू टू मेक दिस पॉसिबल. Nothing is really what it seems anyway. Now little by little, in the twilight's gentle flow, in the dance of fading light we grow. Last night, it was a wonderful property, especially if you're coming here for a workation. Today is the fourth day and we will be leaving for Jalori Pass, which is about 12 kilometers from here. There is apparently snow there, so I'm very excited to see how it looks and go to the 360 degree point and view all the ranges from there. I'll be walking home in the rain. I lost you, but then you were mine again. Just let the wind and the fire, wind and the fire. We forget about everything, every true forest, and you can see a lot of eagles up there. I'm not sure if you can see one, so there is one. The villagers are not allowed to cut any wood or even take their cattle there. It's marked as reserve property for the government. And this entire space that you see is the trek down to this amazingly beautiful property owned by Neil. वैसे तो हम लोग अपनी गाड़ी भी ले जा सकते थे जलोरी पास, बट वी डिसाइडेड टू हायर अ लोकल कैब ड्राइवर एंड गो विद हिम. वी वर रेकमेंडेड नॉट टू ड्राइव बिकॉज बहुत स्नो होती है ऊपर एंड ऑन द वे, एंड देर आर चांसेस दैट यू लूज द कंट्रोल ऑफ योर कार और यू स्किड ऑफ द हिल. ये सब केसेस हो भी चुके हैं जलोरी पास में, सो द लोकल्स ऑलवेज रेकमेंड दैट यू आर नॉट द वन हु इज ड्राइविंग अनलेस यू आर एन एक्सपीरियंस ड्राइवर हु नोज कि स्नो में हैंडल कैसे करना है अपनी कार. वाइल अमित knows how to do it, we didn't want to risk anything and we wanted to enjoy the vacation more,
So we decided we'll just hire a local cab driver. His name was Sanju and he was a really nice guy. I will leave his number in the description box below. तो अगर आप जा रहे हो तो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद हिम एंड गो विद हिम. ही इज़ अ ट्रस्टवर्दी गाय एंड ही टेक यू अराउंड एंड ही इज़ अ गुड गाय. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस द वीडियोज एंड द फोटोज फॉर दिस डे ऑफ द ट्रिप. मेरे पास सारे वीडियोज़ और फोटोज़ हैं जीभी और तीर्थन के, बट द डे दैट वी वेंट टू जलोरी पास आई हैव मिसप्लेस द वीडियोज़. आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन दैट हैपन, बट इट रियली सैडेंस मी बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट एवर स्नोफॉल एंड आई वॉन्टेड टू कीप दीज मेमरीज एंड देर आर सच ब्यूटिफुल फोटोज एंड वीडियोज़ दैट हैड कम आउट ऑफ दैट डे जब स्नोफॉल हो रही थी. आई वॉज मेकिंग दिस वीडियो येस्टरडे एंड आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मुझे इतना बुरा लग रहा था, बट लाइफ गोज ऑन. I'll see another snowfall and I'll make more videos, but I somehow managed to get a few shots from what we had shared on Instagram, on stories and reels from my account and Amit's account, and I have clipped them together. Despite what you're going to see now, despite whatever you're going to see, let me tell you that Jalori Pass is beautiful, and if you want to beat the heat this summer, I recommend that you have Tirthan GB and Jalori Pass on your list because they are beautiful. You can witness snowfall even in the months of April or May, because we went somewhere in the first or the second week of April and it was still snowing in Jalori Pass. On the way to Jalori Pass, we stopped for some snow boots and gloves. आई थॉट इट वॉज़ यूजलेस बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इतनी स्नो होगी वहाँ पर या फिर हमें स्नोफॉल देखने भी मिलेगा, विच वॉज प्लेजेंट सरप्राइज. सो वी रेंटेड द बूट्स एंड द ग्लव्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 400 फॉर द बोथ ऑफ अस. टू टूक अस समवेयर अराउंड 30 minutes. इट वॉज अ ब्यूटिफुल ड्राइव. इट वॉज एवरीथिंग वॉज कवर्ड इन स्नो. वी रेंटेड स्टिक्स फॉर 60 bucks ईच एंड हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारी कॉफ़ी भी पी एंड वी एट अ लॉट ऑफ मैगी एंड surprisingly it started snowing and it was such a beautiful sight. So we went to this tapri place which was covered with plastic. We sat there. Usne bonfire lagaya because we were really cold. We weren't wearing so many clothes for the snowfall, so obviously thandi lag rahi thi. So he lit fire. Or we sat there with a few more people. We talked with them. We ate Maggie. We exchanged a lot of stories and we sat there for a few hours. It was one of the best trips that I've had. So agar aap April ya May mein, if you want to see snow or if you want to experience snowfall, I think Jalori Pass is something that you should definitely have on your list. Once the snowfall stopped, we came back to our Airbnb from where we picked our car and started our journey back to Delhi. But agar aapko koi bhi questions hain about Tirthan, GB or Jalori Pass, you can comment below and let me know, and I would love to help you plan your trip.